सिलसिला शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है, लेकिन चोटी कटवा नाम के शरारती अभी भी सक्रिय हैं। कोई कहता है कि चोटी काटने वाला कोई शरारती तत्व है, विज्ञान कहता है कि ये मानसिक समस्या है, जबकि ग्रामीण मानते हैं कि ये कोई शैतानी ताकत है जो महिलाओं के बाल काट रही है। लेकिन इस बात में भी लोग एकमत नहीं हैं। कोई बाल कटवा से बचने के लिए नींबू मिर्च घर के बाहर टांग रहा है, तो कोई नीम के पत्ते, कुछ लोग भगवान पर रुपए चढ़ाने की बात कह रहे हैं, तो कुछ धार्मिक लोगों का मानना है कि ईश्वर की पूजा और प्रार्थना से इसे रोका जा सकता है। लेकिन आज तो मंदिर में ही एक किशोरी के बालों को काट दिया गया। मैं खाना खा के आ रही थी और मैंने हाथ धोए, थाली वहाँ पर रखी और अंदर गई, मैंने कहा चोटी कर लूँ, उसने बाल कट लिया। कैसे कैसे आपको पता चला कब आपके बाल कटे? बाल तो मुझे पता नहीं चला कब कट गए, पर जे हम अंदर गए, मैंने कहा चोटी कर लें, चोटी करने के लिए अंदर गए, बाल छोड़े, उसने मैं कट गए। पुजारी परिवार की बेटी के बाल कटने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। रात में 9:30-10 के लगभग इस बच्ची की रोने की आवाज़ आई। इनके घर से हमारा घर लगा हुआ है, तो हम आके भाग के देखा यहाँ पे, तो इसके बाल कटे हुए थे और ये बच्ची रो रही थी। अच्छा, इससे महिलाओं में भी बहुत ही भय व्याप्त हो गया, बच्चों में भी भय व्याप्त हो गया। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हम बाजार नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, बाल कट जाएंगे हमारे। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए निवाड़ी से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।